भाई ये मंदिर, और ये लगा रखा मैंने अपना बिस्तरा, बिस्तर लगा लिया अपना। अब यहीं पे सोने जा रहा हूँ भाई, देखते हैं सुबह तक क्या होता है। हाँ जी भाई लोग, गुड मॉर्निंग टू ऑल। भाई जिंदा हूँ, तेलंगाना में हूँ। कल रात को नाइट स्टे किया था, बताया था आपको मंदिर के बाहर, वहाँ से ठीक ठाक हो गया। उसके बाद उठ के सुबह ब्रश वगैरह करके अभी नाश्ता करने के लिए रुका हूँ यहाँ पर ऑन दी रोड। दिखाता हूँ आपको, कैमरा मूव करता हूँ। तो भाई ये ऑन दी रोड एक गांव है, इसको बोलते हैं जनगांव, जो डिस्ट्रिक्ट है इसकी जनगांव पड़ती है। और अभी यहाँ पर मैंने आके डोसा ऑर्डर किया और साथ में किया पोंगा ऑर्डर, पोंगा प्लेट। ये देखो यहाँ पर मिल जाएगा आपको डोसा और बड़ा, और ये क्या है, बोंडा, बोंडा, और ये बोंडा है। 35 रुपये की प्लेट है भाई इसकी और 35 रुपये का ही डोसा है। तो ये बाइक खड़ी है अपनी, तो चलिए अंदर चलते हैं, खाते हैं बैठ के। दोनों चीज़ें ऑर्डर कर दी हैं मैंने, देखते हैं कैसी है। तो यहाँ पर रुका हूँ अन्ना के पास। क्या नाम है आपका? याकन्ना। याकन्ना भाई, ये हेलो जी। तो भाई ये देख लो, ये दोनों चीज़ें ऑर्डर कर दी हैं, ट्राई करते हैं कि करके दबा के खाएंगे सुबह सुबह नाश्ता। अभी भाई लोग पहले ये पोंगा ट्राई कर रहा हूँ भाई, अल्टीमेट टेस्ट है इसका। और सबसे हैरानी की बात है कि मेरे को ना तो इसके साथ सांभर मिला, ना डोसे के साथ सांभर है। अभी अन्ना से पूछा तो वो कह रहे नहीं, इसके साथ सांभर नहीं मिलता। बाकी टेस्ट भाई टू मच है इसका। पोंगा खा लिया, अब इसके बाद मैं डोसा लपेटना शुरू कर दिया मैंने। बहुत बढ़िया टेस्ट है इसका भी, मतलब लोकल जैसे एक स्वाद होना चाहिए ना, सेम वैसे ही है कि जो लोकल स्पेशलिटी कह सकते हो यहाँ की, सही है भाई, बढ़िया। डोसा ट्राई किया यहाँ पर अन्ना की शॉप पे, तो बढ़िया लगा, लोकल फूड है, अच्छा ट्राई करना चाहिए। चलिए बढ़ते आगे, अब जा रहे हैं आगे रमेश्वरम की ओर को, देखता हूँ कितनी दूर तक जा पाता हूँ फिर से। ये जाते जाते देखिए एक चमत्कार और देख रहा हूँ साउथ का। ये देखो भाई, बोतल में डाल रहा सिली, सिली बोलते हैं ना, सिंधी, सिंधी बोलते हैं भाई इसको। तो मेरे को थोड़ी सी साउथ की लैंग्वेज बोलने में प्रॉब्लम आती है, तो ये भाई ने इसमें से निकाली है, मटके में से है। और ये ऊपर चढ़ने का वो है, इससे चढ़ते ऊपर है ना, इससे पेड़ पे चढ़ जाते हैं। ठीक है, अभी जाना दोबारा चढ़ने जा रहा है, चलो फिर वीडियो बनाता हूँ। ओ भाई ये नेचुरल दारू है मेरे भाई, अब मैं तो पीता नहीं, नहीं तो लेके पैग पुग मार लेता। ठीक है, अच्छा अभी तीसरी बोतल में डालेगा ये। ये कितने दिन में तैयार हो जाती है? एक दिन में। अच्छा, 6 लीटर एक मटके में। ओ भाई चांदी है इनकी तो यार, सही है। अभी भाई ऊपर चढ़ेगा पेड़ पे, वो दिखाता हूँ कैसे चढ़ता है ये। नहीं, कहाँ बेचते हो इसको, मतलब दुकान वगैरह करते हो या कैसे? हाँ अपने खुद के लिए। अच्छा फोन पे आके ले जाते लोग, ठीक है। तो भाई ये जा रहा ऊपर पेड़ पे चढ़ने, और मैं लगा हूँ इसकी वीडियो बनाने। देख लो भाई, साउथ है ये, और साउथ के नज़ारे हैं। अभी देखना ये पेड़ पे चढ़ेगा, उसकी बनानी है अपन ने वीडियो। ये जीरी लगी हुई है और बोर चल रहा है, ताज़ा पानी, फ्रेश फ्रेश। अब मैं जा रहा हूँ भाई के पीछे, कैमरे का वाइड एंगल किया हुआ मैंने, तभी इतनी व्यूज कैप्चर हो रहा है। हाँ चलो चलो चढ़ो, ले भाई ये हो गया भाई चढ़ना शुरू। क्या बात है जी, अच्छा इससे इसके ऊपर कट मार मार के चढ़ते रहते हैं, ठीक गुड। ये क्या इसकी धार लगा रहे हो, तेज कर रहे हो इसको? अच्छा अच्छा ये ऊपर से उसमें से निकलती है पेड़ में से दारू। और नारियल कहाँ लगते हैं? नारियल नहीं लगता इसको, गोला नारियल वो नहीं लगता तेरी। चलो भाई
ये चढ़ गया ऊपर और अभी ये यहाँ से उतारेगा भाई। ये लो, ये पुरानी मटकी टांग दी, उसमें से पुरानी मटकी में से चेंज कर लिया। तो ये था भाई प्रोसेस इनका, दारू बोल दो, फेनी बोल दो, कुछ भी, ये कट मारते, उससे कट मारने से ना पत्ती से जो कट मार रहा है इसको, ये पत्ती से कट लगा, इसी के अंदर से फिर ये धीरे धीरे लिक्विड के रूप में दारू निकलती रहती है, उसको फिर ये भर लेते हैं इसमें मटकियों में, मटकियाँ बांध रखी होती हैं इन्होंने ऊपर पेड़ के साथ। ठीक है, चलो भाई ये आपको दिखा दिया प्रोसेस आज का, इतना ही बहुत है, ज़्यादा वीडियो नहीं दिखाते, तो चलिए ठीक है भाई, चलता हूँ, ओके थैंक यू, धन्यवाद। तो भाई यहाँ पर ये देख लो चारों तरफ, यहाँ पर नारियल के भी लगे हुए हैं पेड़, और नारियल के पेड़ से ज़्यादा तो इन्होंने मटकियाँ टांग रखी हैं दारू की। तो भाई लोग, यूट्यूबरों ने साउथ के मंदिर और मस्जिदें है ना, बीच वगैरह बहुत दिखाएंगे, मैं दिखा रहा हूँ आपको शमशान घाट साउथ का। ये देखिए भाई, बहुत बढ़िया जगह लगी मेरे को, देखो सामने वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, टीले हैं, देखो ये पत्थर हैं है ना, और ये बीच में थोड़ी ढलान टाइप है, उसके ऊपर ये शमशान बना हुआ है। देखिए यहाँ पर जो बेचारे गुजर चुके हैं इस दुनिया से, विदा ले चुके हैं, रुखसत हो चुके हैं है ना, उनके नाम पे उनके घर वालों ने अपने अपने श्रद्धा के मुताबिक है ना नाम वगैरह, ये नेम प्लेट लगी हुई है। ये अंकल 2/1/1991 को पूरा हो गया, और 7:15 पे, और 26/3/2020 पे पूरा हुआ। एक ये साइड वाला अंकल है, एक आंटी थी, तो ये है जी, पूरी रौनक लगा रखी है भाई साहब, गजब, बहुत बढ़िया चीज़ है। ये देखो अभी और दिखाता हूँ थोड़ा सा आगे जाके, ये देखिए ये बनी हुई है, मतलब जो जो स्वर्गवास हो जाते हैं उनकी यहाँ पर ये प्रतिमा के रूप में, ये छोटे छोटे से क्या बोलते हैं पंजाब में, बोलते हैं थड़े, वो बना देते हैं और दफनाते तो होंगे नहीं शायद यहाँ पे, उसके बाद ही लाके वो करते होंगे, ये दफनाए ही जाते होंगे। हाँ स्पेस तो है वैसे, 5-5, 6-6 फुट के तो बंदे हैं यहाँ, 5-5 के तो बंदे हैं सारे इस साइड में। तो ये है जी, देख लो भाई लोग, ये हैं शंकर जोशी के कारनामे, क्या क्या दिखाता रहता है वीडियो में है ना। तो गाइज चलते चलते अपने को ये एक अजूबा और देखने को मिला है तेलंगाना में, ये सामने जो आपको पहाड़ दिखाई दे रहा ना, ये है तो एक ये पहाड़ी है, और इसकी जो खासियत मेरे को लग रही ही है, जो मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर वेदर फॉगी है उसकी वजह से प्रॉपर क्लियर नहीं है, बट मेरे को आइस से दिख रहा है अपना सामने लाइव जो मैं देख रहा हूँ। तो ये सिंगल पीस पहाड़ है, इसके अंदर कहीं भी कोई ज्वाइंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पूरे का पूरा ये सिंगल पीस है, और लगभग इसका जो चौड़ाई कह सकते हो या घेराव कह सकते हो, लगभग 2-3 किलोमीटर के करीब होगा चारों तरफ को इस तरह से। और इसी टाइप के दो पहाड़ मेरे को सामने देखने को मिले वहाँ, ये बीच में दिख रहा होगा आपको यहाँ पर छोटी के पेड़ के पीछे, ये दो भाई टाइप थे, जैसे लग रहा था कि दो भाई खड़े हों सामने ना, सेम टू सेम। तो अभी मैं हूँ अरवापल्ली में, अरवापल्ली सूर्यापेट के पास पड़ता है ये, देखते हैं अभी कहाँ तक पहुँच पाता हूँ। ये जो मेरा दिखा रहा है गूगल मैप मेरे को, ये कंटिन्यू स्ट्रेट 12 किलोमीटर और चलने के लिए दिखा रहा है, बाकी जो मेरी डेस्टिनेशन है जी धनुषकोड़ी की डाल रखी है मैंने, 1117 किलोमीटर रामेश्वरम और धनुषकोड़ी के लिए जा रहा हूँ मैं लेके महादेव का नाम, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाता हूँ। बाकी भाई खूबसूरती शुरू हो चुकी है, ग्रीनरी दिखाई देनी शुरू हो गई है, ये ऊँचे ऊँचे पेड़ हैं नारियल के ताड़ के। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो गाइस काफ़ी लंबा चलने के बाद अभी ये एक बोर्ड आया सामने, ये देखिए इस पर लिखा हुआ है जी विजयवाड़ा 170 किलोमीटर, नालगोंडा 27, हैदराबाद है जी 111, यानी कि 111111। तो अभी भी काफ़ी टाइम लगने वाला अपने को, गूगल बाबा दिखा रहा है 18 घंटे 39 मिनट 1003 किलोमीटर के करीब। तो अभी भी लंबा सफ़र है भाई, चलते चलिए। सो गाइज वीर मल्याया गुड्डा पहुंच चुका हूँ, यहाँ पर आकर एक ये टी पॉइंट बन जाता है,
यहाँ पर आकर ना ये एक वाई पॉइंट बन जाता है, एक रास्ता तो इधर को जाता है और दूसरा इस साइड को जाता है। आगे चल के आपको दिखाता हूँ, पहले तो आप ये चौक देखिए कितना खूबसूरत है, जो कि मुझे बढ़िया लगा आपको दिखाने लायक, तो इसलिए इसकी भी वीडियो हमने साथ की साथ बना डाली है। देखिए यहाँ पर ये हॉर्स हैं, फ्लाइंग हॉर्स कह सकते हैं इनको आप, ठीक है जी, बढ़िया लग रहे हैं ना भाई। और यहाँ पर अब ये देखिए, ये है जी बमीरियाला गुड्डा, ये इतना बड़ा नाम है भाई इसका। ये अभी ये गजब वाली चीज, तो भाई वो खड़ा सामने अपना घोड़ा, तो इसकी बदौलत तो मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पर। अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से ओंगले की ओर को। थैंक यू मेरे दोस्त, तुम्हारी वजह से मैंने साउथ भी कवर कर लेना पूरे का पूरा ही, कश्मीर टू कन्याकुमारी भी डन हो जाएगा अपना, धनुषकोडी वगैरह सब। तो चलो बढ़ते हैं आगे फटाफट, धूप बहुत है भाई, गर्मी बहुत गजब है। ये देखो जैकेट पहन रखी थी मैंने, खोल के रख ली है कब की, और खाली सिर्फ एक टी शर्ट पहन के घूम रहा हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। साथ में यहाँ पर ये एक बियर बिठा रखा ब्लैक कलर का बना के, दो टाइगर हैं सामने, बीच में सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, वी आर अम्बेडकर है, और दो तीन स्वतंत्रता सेनानी और हैं जिनके यहाँ पर स्टैचू लगा रखे हैं, शहीदों को समर्पित कर रखा है शायद ये चौक, तो उसी वजह से। गाइस अभी मैं कृष्णा रिवर क्रॉस करके आया हूँ, वहाँ से आधा किलोमीटर निकलते ही आ गया ये वेलकम श्री कासू ब्रह्मानंदा रेड्डी एक्सप्रेसवे आ गया, तो अभी इसी एक्सप्रेसवे पे चलूँगा, देखते हैं कितने किलोमीटर का है, जब एंड होगा तो आपको मैं बता दूँगा। फिलहाल तो मैं अभी इस पर स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ, तो बोर्ड देखा वीडियो बना दी इसलिए। तो भाई मैं एंट्री कर चुका हूँ आंध्र प्रदेश में, खाने को नहीं कुछ भी मिल रहा, लैंग्वेज की हो रहा है प्रॉब्लम अपने को। और ये देखो मेरे पास हैं जी बिस्किट घर के बने हुए, घर से लाया था जो मैं, और परसों मैंने ख़रीदी थी एक ब्रेड, अब इसको भी वेस्ट नहीं कर सकता मैं, इसके लिए इसी अभी कॉफ़ी बनाने लगा हूँ। और ये एक मुरमुरे हैं, ये घर से लाया था मोरिंडे, तो भाई ये भी बड़े काम आ रहे हैं मेरे, आंध्र प्रदेश में बैठ के खाए जा रहे हैं। ये हेलमेट पड़ा है, वो सामने अपनी बाइक खड़ी है, तो यहाँ पर छाया में रुका हूँ भाई, आग बरस रही है, धूप बुरे तरीके से गंदी धूप पड़ रही है, गर्मी साथ साथ में, अभी दिखाता है एक मिनट। तो ये है मेरी, देखिए ये बैठा हूँ मैं, और ये करंट लोकेशन, अभी यहाँ पर खेत है, महाराष्ट्र में होती है कपास की खेती, यहाँ पर होती है लाल मिर्च की खेती और फूलों की, और बीच बीच में यहाँ पर काले माह उड़द वगैरह बोलते हैं, ये लगे हुए हैं सामने। अभी पीछे अगर कोई खेत वगैरह आया तो आपको मिर्चों का दिखाऊंगा, पीछे से मैं तो देखता हुआ आ रहा हूँ। और MP के अंदर तो हो जाती है अपनी सरसों, और MP में मिली मेरे को पूरे रास्ते में पीली सरसों, सरसों के खेत थे पूरे के पूरे रास्ते में, तो इसका मतलब MP में सरसों होती है, महाराष्ट्र में कपास है, और यहाँ पर फूल मिर्च और उड़द की दाल। चलिए फालतू की बातें बाद में करेंगे, ये सामान बिखेर दिया भाई, थका बैठा हूँ बुरे तरीके से, अभी पहले जाके फटाफट सामान उतार के लाऊं और फिर चाय बनाऊं। पहले सामान उतार के लाता हूं, फिर आके कॉफ़ी चाय कॉफ़ी का इंतजाम करते हैं। दोस्तों विंड प्रोटेक्टर लगा दिया और दूध डाल दिया इसमें पतीले में, अभी कॉफ़ी रेडी करने जा रहा हूं, उससे पहले दिखाता हूं आपको, ये देखो किस्मत की बात है ना, स्टैंडर्डाइज गोल्ड मिल्क बल्लवा मिल्क प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, और ये लैंग्वेज देखो आंध्र प्रदेश में जो लैंग्वेज बोली जाती है कौन सी है, वो तमिल है, तमिल होगी शायद। तो कल था मैं तमिलनाडु में, नहीं कल था मैं तेलंगाना में, तो वहाँ बोलते थे तेलुगु, और यहाँ पता नहीं अब कौन सी है, पता करके बताता हूँ। फिलहाल तो छोड़ो बातें, ये बल्लभा गोल्ड मिल्क है, 35 रुपये का पैकेट मिला भाई मेरे को ये, तो इसी से मैं अपनी कॉफ़ी रेडी करने जा रहा हूँ। तो भाई कॉफ़ी अपनी रेडी हो गई है, थोड़ी सी कॉफ़ी इसमें डाल के, आधी कॉफ़ी इसमें डाली पतीले में, और इसी में ब्रेड को मिक्स करके अभी चम्मच से खा रहा हूँ। देख लो भाई घर से बेघर होके ऐसे मज़े लिए जाते हैं, हट
ये मक्खी मेरा दिमाग खा रही है। ब्रेड पड़े हैं अपने पास, घर से दूर आके भाई बिस्कुट भी बहुत स्वाद लगते हैं। ये देख लो, लेके आया था, ऐसे मन से लाया था कि पता नहीं खाए जाएंगे पता नहीं, पर अब यही काम आ रहे हैं यहाँ कर इतनी दूर घर से। तो गाइस कॉफ़ी पी ली, वहाँ से निकल आया, अभी चेन्नई रह गया 435 और अलंकी 88। देखते हैं आज रूम का इंतजाम करना पड़ेगा क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही है, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। तो जल्दी से जल्दी देखता हूँ, अगर रास्ते में कुछ दिखाने लायक हुआ तो दिखाऊंगा, नहीं तो सीधे रूम में मिलते हैं। गाइस देखिए ये चलते चलते रास्ते में मुझे कितना बढ़िया सुंदर नज़ारा देखने को मिला है। ये है जी साउथ आंध्र प्रदेश। अब मैं यहाँ से आगे जा रहा हूँ सीधा अदंकी विलेज पड़ेगा वहाँ पर। अब यार नाम नहीं मेरे से ढंग से लिए जाते, ये साउथ में के नाम ऐसे ही हैं, कल्ली पल्ली टुल्ली है ना, तो बाकी आप समझ जाना, दिखा दूंगा बोर्ड लगाओगे रास्ते में। फिलहाल ये ब्रिज है, ब्रिज पे खड़ा हूँ, तो जाते जाते तो वीडियो ही बना लेते हैं एक, है ना, बढ़िया नज़ारा है। तो भाई लोग आज की अपनी नाइट से होगी यहाँ पर सितारा लॉज के अंदर, यहाँ पर रूम ले लिया, ऑन दी रोड रूम मिल गया मेरे को। ये 1000 रुपीज़ मांग रहा था, 800 रुपये में डील डन होगी है। लैंग्वेज की बड़ी प्रॉब्लम आती है यहाँ पर। अभी मैं पहुँच चुका हूँ तमिलनाडु में, जो कंडाडी करके कुछ जो ब्लेज बताया था आपको पीछे, जो कि आंध्रा में था, वहाँ पर अपना बात बनी नहीं रूम की, वहाँ 1000 रुपये से नीचे आए नहीं। फिर 35 किलोमीटर का अपना और डिस्टेंस कवर होगी बाइक को, बस यहीं पर अभी बंजी कोड वगैरह उतार के सामान सुमान निकाल रहा हूँ सारा खोल के, तो यहीं बाइक को पार्क कर देंगे। पार्किंग के लिए है सुविधा, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाके रिसेप्शन है। चलिए अब चल के पहले आपको एक बार सामान उतार लूँ, फिर रूम भी दिखाता हूँ। ऊपर आ गया हूँ मैं, सामान वगैरह सारा ले आया, टी शर्ट खोल के रख दिया साइड पे, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी यहाँ पर, बहुत गर्मी है भाई। सामान सारा ऊपर मेरा आ गया, बस अभी मैं नमकीन चावल बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। प्याज वगैरह सारे काट दिए मैंने, दिखाता हूँ आपको वो भी। चलो जी दोस्तों, ये बन रहे अपने चावल, इसमें डाल दिया मैंने प्याज और हरी मिर्च काट के, वीडियो बनानी भूल गया था, सारा सामान यहीं पे पूरा खिला रखा मैंने भाई। देखिए प्याज टमाटर हरी मिर्च सब कुछ काट के रखा हुआ, शूज साइड पे खोल के रखती हैं। अभी आपको दिखाता हूँ इसका बाथरूम, ये है जिसका छोटा सा बाथरूम, कॉम्पैक्ट है बट बढ़िया, टॉयलेट भी है, वॉश बेसिन है और डबल टूटी लगी है शावर है, फ्रेश वाटर और टंकी वाला वाटर। यहाँ पर साइड पे विंडो है, इसके अंदर से पीछे को खिड़कियाँ खुल जाती हैं। ये देखिए अभी फ्रेश एयर आ रही है यहाँ पर, भाई मच्छर बहुत है इसलिए यहाँ पर लगा रखा है ये ओडोमॉस, उसकी वजह से बहुत रिलीफ है, LCD चलती है, बाकी सब ठीक है भाई, बढ़िया ओवरऑल। अब बस अभी चावल बन जाए फटाफट मेरे, उसके बाद फिर मैं खासे टाइम बना के वीडियो फटाफट सोने की करूँगा, क्योंकि थका हुआ हूँ बहुत ज़्यादा, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके आया हूँ भाई आज मैं। अभी फ़िलहाल जो मेरी लोकेशन है वो है ओंगल, ओंगल पड़ता है आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु से थोड़ा सा पीछे। अपने सारी सब्जियां कट चुकी हैं, टमाटर डाल रहा हूँ, फ्रांस बीन, आलू, लाल टमाटर, प्याज डाल दिए हैं, हरी मिर्च डाल दिए भाई। ये सामान मेरी बाइक की साइड वाली जो डिग्गी है ना, उसमें 2-3 दिन से पड़ा हुआ था, तो काम नहीं था आ रहा किसी भी, आज लगी हुई है भूख, क्योंकि यहाँ पर मिलता मोस्टली नॉन वेज, तो अपन है भाई प्योर वेजिटेरियन, तो अपने बच्चा है नहीं, तो इसलिए सोचा थोड़े से नमकीन चावल बनाता हूँ, फिर खा के आराम से ले जाऊँगा भगवान का नाम लेके। चलिए फटाफट चावल बनाता हूँ, जब चावल बन जाएंगे फिर दिखा। अपने चावल तैयार हो गए हैं, अभी लगाऊँ टेस्ट करने, हल्के से नीचे लग गया क्योंकि पतीला था छोटा, चावल मैंने डाल दिए ज़्यादा और मसाला तो पूरा खूब दबा के डाल दिया इसमें मैंने। ये देख लो कल सुबह का भी इंतजाम हो गया, सुबह उठेंगे जो बचे होंगे आराम से खा पी के निकल लेंगे आगे, कम से कम कल फिर ये सांभर इडली डोसा खाने से तो बच जाऊंगा, पकौड़ा पकौड़ा खाता हूँ जो दिन में। चलिए भाई खा पी के सोते हैं, मिलते हैं सुबह फिर। ओके जी, बाय बाय, गुड नाइट।